लोकसभा चुनाव 2024 में कई नए और तेज तर्रार नेता संसद पहुंचे हैं, जिनकी हर तरफ चर्चा हो रही है। कई नेता पहली बार सांसद बने हैं तो कोई जीतने का रिकॉर्ड बना रहा है। सुर्खियों में दलित समुदाय से आने वाले कुछ सांसद हैं। दलित पहचान की राजनीति करने वाली देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बसपा यानी बहुजन समाज पार्टी चुनाव में शून्य पर निपट गई, लेकिन दूसरे दलों से चुने गए दलित सांसदों की खूब चर्चा हो रही है। दलित सांसद सिर्फ आरक्षित सीटों से ही नहीं बल्कि फैजाबाद जैसी सामान्य सीट से भी चुनकर आए हैं। इनमें कुछ ऐसे भी सांसद हैं जिनकी उम्र सिर्फ 25 से 26 साल की है। चंद्रशेखर आजाद। कुछ साल पहले भीम आर्मी बनाकर चर्चा में आए चंद्रशेखर आजाद अब सांसद बन चुके हैं। चंद्रशेखर ने उत्तर प्रदेश की नगीना सीट से बीजेपी उम्मीदवार ओम कुमार को 1.5 लाख से भी ज्यादा वोटों से हराया है। चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी कांशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अपनी पार्टी से ही उन्होंने चुनाव जीता है। यहां चंद्रशेखर के खिलाफ समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने भी अपने उम्मीदवार उतारे थे। चंद्रशेखर का कहना था कि वह बहुजनों को सुरक्षा दिलाने के लिए चुनाव में उतरे हैं। चंद्रशेखर पेशे से वकील रहे हैं। उत्तराखंड से उन्होंने कानून की पढ़ाई की। अक्टूबर साल 2015 में उन्होंने भीम आर्मी बनाई थी। इसका उद्देश्य था दलित समुदाय में शिक्षा को बढ़ावा देना। सितंबर 2016 में सहारनपुर के कॉलेज में दलित छात्रों की पिटाई के विरोध में विरोध प्रदर्शन के दौरान चंद्रशेखर और उनका संगठन सुर्खियों में आया था। इससे चंद्रशेखर ने दलितों के बीच लगातार अपनी लोकप्रियता बनाई। 15 मार्च साल 2020 को कांशीराम के जन्मदिन पर उन्होंने अपनी पार्टी बनाने का ऐलान किया था। 2022 के विधानसभा चुनाव में चंद्रशेखर ने गोरखपुर शहरी सीट से योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव भी लड़ा था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। संजना जाटव। राजस्थान के भरतपुर से सांसद बनी संजना जाटव मात्र 26 साल की हैं। राजस्थान में घोषित उम्मीदवारों में संजना सबसे कम उम्र की थी। संजना ने बीजेपी उम्मीदवार रामस्वरूप कोली को 51,983 वोटों से हराया। जीत के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ गाने पर डांस करता हुआ उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। पिछले कुछ समय से संजना पार्टी के भीतर एक चर्चित चेहरा बनकर उभरी है। पिछले साल कांग्रेस के टिकट पर संजना ने अलवर जिले की कठमूर सीट से विधानसभा चुनाव भी लड़ा था, लेकिन सिर्फ 409 वोटों से वो चुनाव हार गई थी। कठमूर से 4 बार के विधायक रहे बाबूलाल बैरवा का टिकट काटकर संजना को उतारा गया था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो संजना कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की खास मानी जाती है। उनके लड़की हूं लड़ सकती हूं अभियान से संजना जुड़ी रही। विधायकी से पहले उन्होंने अलवर जिला परिषद का चुनाव भी लड़ा था, जहां वो वार्ड 29 से चुनी गई थी। उन्होंने 2019 में महाराजा सूरजमल ब्रिज यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। संजना के पति कप्तान सिंह राजस्थान में पुलिस कांस्टेबल है। सांभवी चौधरी। सांभवी चौधरी इस बार चुनी गई सबसे युवा सांसदों में से एक है। उनकी उम्र 25 साल है। बिहार के समस्तीपुर लोकसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। सांभवी पासी जाति से ताल्लुक रखती हैं। उनके पिता अशोक चौधरी बिहार सरकार में मंत्री हैं। अशोक चौधरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का करीबी माना जाता रहा है। सांभवी ने बिहार सरकार की ही सूचना जनसंपर्क मंत्री महेश्वर हजारी के बेटे सनी हजारी को चुनाव में हराया। उनको 1,87,000 वोटों से जीत मिली है। अवधेश प्रसाद। उत्तर प्रदेश की फैजाबाद लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद 54,567 वोटों से चुनाव जीते। उन्होंने सीट से 2 बार के बीजेपी सांसद लल्लू सिंह को हराया है। उनकी चर्चा इसलिए भी हो रही है कि यहां राम मंदिर निर्माण के बाद बीजेपी की जीत आसान मानी जा रही थी। अवधेश प्रसाद सपा के संस्थापक सदस्यों में से एक है। 9 बार विधायक रह चुके हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में वह मिल्कीपुर से विधायक चुने गए थे। 78 साल के अवधेश प्रसाद अयोध्या में सपा के चर्चित दलित चेहरा है।
फैजाबाद सामान्य लोकसभा सीट होने के बावजूद अखिलेश यादव ने एक प्रयोग के तहत अवधेश प्रसाद को उम्मीदवार बनाया। फैजाबाद से सपा की दलित चेहरा उतारने के बाद नारा दिया गया, अयोध्या में न मथुरा में न काशी में सिर्फ अवधेश पासी। माना जा रहा है कि दलित उम्मीदवार के पीछे न सिर्फ दलित जातियां बल्कि कुर्मी जैसी ओबीसी जातियां भी गोलबंद हो गईं। कुमारी शैलजा मनमोहन सिंह सरकार में केंद्रीय मंत्री रह चुकी हैं। कांग्रेस में एक प्रमुख दलित नेता के तौर पर उन्हें गिना जाता है। शैलजा एक बार फिर हरियाणा की सिरसा लोकसभा सीट से सांसद चुनी गईं। उन्होंने बीजेपी के अशोक तंवर को 268,000 वोटों से हराया। पिछले लोकसभा चुनाव में वह अंबाला से चुनाव हार गई थी। शैलजा के पिता चौधरी दलवीर सिंह हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष रह चुके हैं। 1990 में महिला कांग्रेस से राजनीति शुरू करने वाली शैलजा कई बार केंद्रीय मंत्री रह चुकी हैं। पहली बार 1991 में सिरसा से ही लोकसभा पहुंची थी। तब उन्हें नरसिम्हा राव सरकार में केंद्रीय शिक्षा मंत्री का पद मिला था। उन्हें गांधी परिवार का करीबी भी माना जाता है। फिलहाल कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी CWC की वह सदस्य भी हैं। 2014 से 2020 तक हरियाणा से राज्यसभा सांसद भी रह चुकी हैं। पिछले हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले उन्हें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी बनाया गया था। अप्रैल 2022 तक वह इस पद पर रही थी। चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। पंजाब में सीएम पद तक पहुंचने वाले वे पहले दलित नेता हैं। कांग्रेस से इस बार उन्हें जालंधर लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया गया। चन्नी ने बीजेपी के सुशील कुमार रिंकू को 1,75,993 वोटों से हरा दिया। चरणजीत सिंह चन्नी के लिए यह बहुत बड़ी जीत मानी जा रही है, क्योंकि 2022 विधानसभा चुनाव में दो जगहों से वो चुनाव हार गए थे। जालंधर लोकसभा पर 1999 से लेकर 2019 तक कांग्रेस का दबदबा रहा। हालांकि पिछले चुनाव में आम आदमी पार्टी ने यहां से जीत दर्ज की थी। चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब कांग्रेस प्रमुख दलित सिख चेहरा हैं और चमकौर साहिब से 3 बार विधायक रह चुके हैं। उन्होंने विधायकी का अपना पहला चुनाव 2007 में जीता था। 2015-16 में वह पंजाब विधानसभा में विपक्ष की नेता भी रहे। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। भाजपा नेता डॉक्टर वीरेंद्र कुमार लगातार 8वीं बार लोकसभा सांसद बने। मध्य प्रदेश की टीकमगढ़ लोकसभा सीट से उनकी लगातार 4थी जीत है। उन्होंने कांग्रेस के पंकज अहिरवार को 4,03,000 वोटों से हराया है। इससे पहले वीरेंद्र कुमार खटीक मोदी सरकार में अलग अलग विभागों की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। अभी वो केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री थे। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में वो अल्पसंख्यक कल्याण और महिला एवं बाल विकास विभाग में राज्य मंत्री भी रहे थे। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सागर की डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी से PhD कर चुके हैं। पहली बार 1996 में वह सागर से ही लोकसभा पहुंचे थे। वहां से लगातार 2004 तक वह सांसद रहे। उसके बाद टीकमगढ़ से जीतते आए। आरक्षित सीटों पर BJP को झटका। लोकसभा में अनुसूचित जातियां यानी SC के लिए 84 और अनुसूचित जनजातियां यानी ST के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं। यानी इन 131 सीटों पर उसी समुदाय के उम्मीदवार चुनाव लड़ सकते हैं। इन समुदायों से संसद में प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए सीटों को आरक्षित किया गया था। इस तरह विधानसभा में भी इन समुदाय के लिए सीटें आरक्षित होती हैं। इस चुनाव में आरक्षित सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा है। 2019 के चुनाव में BJP ने 80 आरक्षित 46 सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार यह आंकड़ा 30 पर सिमट गया। वहीं अनुसूचित जाति यानी SC के लिए आरक्षित सीटों पर कांग्रेस के सांसदों की संख्या 6 से बढ़कर अब 19 हो गई है। इसी तरह अनुसूचित जनजाति यानी ST के लिए आरक्षित सीटों पर भाजपा का आंकड़ा 31 से घटकर 26 पर पहुंच गया है और कांग्रेस ने पिछले चुनाव में जीती गई 4 सीटों के मुकाबले इस बार 12 सीटों पर जीत हासिल की है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर और कमेंट करें और ऐसे ही अन्य वीडियोस के लिए हमारे चैनल द बहुजन टाइम्स को सब्सक्राइब करें ताकि हर खबर सबसे पहले आप तक पहुँच सके।